इस वीडियो में हम बताएंगे जियो ज्वाइन के अंदर अगर आपको भी ये वाली एरर लिखी आती है, जब भी आप जियो ज्वाइन को थ्रू किसी को कॉल वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट टू जियो फाइबर एंड रजिस्टर फॉर इंटेलाइजेशन कॉल। तो इसको आप ठीक कैसे करोगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जियो ज्वाइन के इस इशू को आप फिक्स कैसे करोगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वाली जो एरर है या फिर ये जो मसला है वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है, प्लीज़ कनेक्ट टू जियो फाइबर। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो भी आपने कनेक्ट किया है वाईफाई के थ्रू अपना जियो फाइबर उसको चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने वाईफाई के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपके नेटवर्क्स आ जाएंगे। तो आपका जो भी जियो फाइबर का नेटवर्क है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, इसको कनेक्ट जो आपका कनेक्टेड है उसको डिसकनेक्ट करना है और वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करनी है। यानी कि एक बार इसको डिसकनेक्ट करके वापस से आपको इसको रिकनेक्ट करना है, या फिर दो यहाँ पे आपको नेटवर्क शो हो जाएंगे, दोनों में से जो पहला आपने कनेक्ट कर रखा है उसको रिमूव कर देना है और दूसरे को यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। जैसे आप दूसरे को कनेक्ट करोगे आपको वापस से अपने ऐप के अंदर जाना है और वहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बाकी दूसरा स्टेप्स आप अपने ऐप को अपडेट करना ना भूलें। प्ले स्टोर में जाइए, जियो ज्वाइन यहाँ पे ऊपर के बार में सर्च बार में यहाँ से सर्च करेंगे जियो ज्वाइन। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं जियो ज्वाइन, यहाँ पे ऐप आ जाएगी आपके सामने। इसको आप अपने फ़ोन में एक बार अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे जो इंस्टॉल लिखा है यहाँ पे अपडेट लिखा आएगा आपके फ़ोन में, तो बस आपको इसको अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट करोगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक बार अपना मोबाइल डेटा यहाँ से बंद कीजिए, फ़ोन को एरोप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड पर डाल दीजिएगा और उसके बाद वापस से अपना मोबाइल डेटा और सॉरी वाईफाई यहाँ से आप जो है ऑन करेंगे। वाईफाई को ऑन करने के बाद अपने ऐप के अंदर चले जाइए और ऐप के अंदर जाने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है कॉलिंग से रिलेटेड वो ठीक हो जाएगी। बस वाईफाई के साथ सही नेटवर्क आपका कनेक्ट होना चाहिए।